हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ नवीन। अगेन आप मुझे देख रहे हैं कोटा क्लासेस के चैनल पर। मैंने काफ़ी बेसिक वीडियोस जो हैं इन रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दिए थे। आज मैं चैप्टर का इनिशिएशन करूंगा अपने पार्ट वन के बाद, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं अब यहां से इसको कैरी ऑन करेंगे एनसीईआरटी को। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेसिक्स वाले जो हमारे जितने भी टॉपिक्स थे, तो उसके अंदर हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जो जितने भी बेसिक्स थे वो सब हम कवर कर चुके हैं, और वेरिएशन जो टॉपिक था वो भी मैं कवर कर चुका हूँ। अभी के इस वाले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, और दूसरा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं आपको कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने वेरिएशन के बारे में बात की थी, वेरिएशन का मतलब क्या होता है। मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। देखिए, जैसे एक मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन, उन दोनों से जो एक एक सेल आता है, मेल पर्सन से आता है रिप्रोडक्शन में जो रिस्पॉन्सिबल सेल होता है, उससे उसके जरिए जो सेल आता है वो आता है स्पर्म सेल, और फीमेल के लिए रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली जो सेल होती है फीमेल की तरफ से वो होती है एग सेल। और ये दोनों सेल जब आपस में मिलती हैं तो जायगॉट बनता है। आप लोगों को पता है, ये मैं अपने सारे बेसिक्स में बता चुका हूँ, और आपको पता है कि जब वो दोनों सेल आपस में मिलती हैं तो टोटल क्रोमोसोम 46 हो जाते हैं। उसके बाद जायगॉट में डिवीजन होता है, एक जायगॉट से एक जायगॉट एक सेल है, और इस एक सेल से दो सेल बनती हैं, दो से चार बनती हैं, और ऐसा कैरी ऑन होता रहता है। तो एक सेल के अंदर जब 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो 46 क्रोमोसोम अपनी क्या बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं। जब 46 क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएंगे तभी तो एक सेल से दो सेल होगी, तो एक सेल में 46 और एक सेल में दूसरे 46 जो कॉपी के बाद बने वो जाएंगे। तो जब यहाँ से कॉपी बनना स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बोला था कि चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, जो नए चेंजेस आते हैं, जो नए फीचर्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जो नए चेंजेस या फीचर्स डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। यहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुका था। तो यहाँ तक मैं बेसिक्स और वेरिएशन के टॉपिक को कंप्लीट कर चुका था। आज जो मुझे बताना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये जो नए वेरिएशन आते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला था कि माँ बाप से कभी भी हूबहू शक्ल बच्चे की, उनके बच्चे की कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉपीज जब होती हैं डीएनए की या क्रोमोसोम की, तो नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, उन नए कैरेक्टर को जो नए चेंजेस डेवलप होते हैं उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। उसी वेरिएशन की बदौलत उस बच्चे का खुद का अपना फीचर होता है, उस बच्चे का खुद का अपना कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से खुद की बच्चे की अपनी एक शक्ल होती है, आइडेंटिटी होती है, अपनी खुद की एक फेस वैल्यू होती है, जो कि माँ बाप से मैच नहीं खाती, उसके खुद के अपने पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं, यही चीज़ उसको खुद की अपनी क्या देती है, आइडेंटिटी देती है। तो ये जो वेरिएशन आए ना, इन वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, एनसीईआरटी का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा, वेरिएशन जो आए हैं, जो नए कैरेक्टर्स या चेंजेस आए हैं, ये वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और ये बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं। इनका फ़ायदा भी हो सकता है ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिज्म को, और इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा, उसको आसानी से समझेगा। आपने देखा होगा कि बहुत बार हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में कोई बेबी हुआ है तो वो बेबी जो है, मैक्सिमम केसेस होते हैं जिसमें तंदुरुस्त होता है, अच्छा बच्चा जो है, बेबी जो है डेवलप होता है कभी कभार ऐसे केसेस भी देखे हैं कि किन्हीं घरों में या हॉस्पिटल्स में कहीं जगह पर ऐसे बेबीज़ भी डेवलप होते हैं जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी भी आ जाए, विकलांगता भी आ जाती है। कभी कभार किन्हीं कुछ बच्चों के पैरों में या हाथों में एक अंगूठे की जगह दो अंगूठा हो जाता है, या बहुत सारे वेरिएशंस आपने देखे होंगे, कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा जो है पतले पैदा होते हैं, या कुछ बच्चे जो हैं, आपको पता है कि आपने सुना भी होगा कि दो बच्चे जो हैं बैक से, पीठ से जुड़े हुए हैं या सर से जुड़े हुए पैदा होते हैं, तो ये भी वेरिएशन है। इतने सारे में एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ये भी क्या है, चेंजेस ही तो हैं जो उन बेबीज के अंदर आए, ये सब क्या है, वेरिएशन है। पर क्या ये वेरिएशन बेनिफिशियरी हैं,
क्या ये वेरिएशन फ़ायदा पहुंचाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इन चेंजेस की वजह से, इन वेरिएशंस की वजह से उन बेबीज़ के लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी और उनके सर्वाइवल में क्या होगी, प्रॉब्लम पैदा होगी और उनको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर्वाइवल लेने के लिए, जीवन को जीने के लिए। तो ये चेंजेस, ये वेरिएशन उन बच्चों के लिए क्या है, हार्मफुल हैं या फिर कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वेरिएशन दो हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं। दूसरा केस मैं लूँगा कि कभी कभी या मैक्सिमम केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो बेबी के अंदर चेंजेस आए हैं यानी कि वेरिएशन आए, वो बेनिफिशियरी भी होते हैं यानी कि फ़ायदेमंद भी होते हैं। और यही हमारी इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की, कि अगर बेबी के अंदर या जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपकी प्रोजेनी है, उसके अंदर अगर चेंजेस आए हैं या उसके अंदर वेरिएशन आए हैं, वो उसको फ़ायदा देती है और उसको फ़ायदा मिलता है और एडवांटेज देती है और उसके लाइफ में ईजीनेस आ जाती है, या आप बोल सकते हैं कि बेटरमेंट आ जाता है उसके लिए, अच्छा ही अच्छा होता है उस कैरेक्टर, उस वेरिएशन की वजह से। जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेरिएशन की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी आ जाते हैं जो इतने फ़ायदेमंद होते हैं कि लाइफ में सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, लाइफ में सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि वेरिएशन की इम्पॉर्टेंस तो है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, आप लोगों ने वैष्णो देवी माता जी के मंदिर अगर आप लोग गए हों तो आप लोगों को पता है, अगर वहाँ नहीं भी गए होंगे तो हमको डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खच्चर। एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खच्चर। मैं लिख देता हूं हिंदी टर्म खच्चर। तो ये जो खच्चर टर्म मैं यूज कर रहा हूं, एक्चुअली ये क्या है, मैं अपने पुराने वीडियोस में भी इसका जिक्र कर चुका हूं। खच्चर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक हाइब्रिड है। क्या है खच्चर, एक ऑर्गेनिज्म है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि क्या है, एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज के क्रॉस यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है। एक हम ले सकते हैं डंकी, एक हम ले सकते हैं हॉर्स। यहाँ पे जो डंकी है हम लोग मेल लेते हैं और जो हॉर्स है वो फीमेल होती है। तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक हाइब्रिड बनता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है जिसको हम खच्चर बोलते हैं। इस खच्चर के अंदर दोनों के फीचर्स हैं। इस खच्चर के अंदर डंकी के भी फीचर्स हैं। डंकी का क्या फीचर होता है, भोजा ढोने का, लोड को अपने बैक पर होल्ड करके चलने का, ये डंकी का फीचर होता है। ये फीचर इसके अंदर है खच्चर के अंदर। दूसरा हॉर्स का भी फीचर इसके अंदर है। हॉर्स का क्या फीचर है, हॉर्स का फीचर है कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, वो तेज़ी से दौड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो वो फीचर भी इस खच्चर के अंदर है। तो बेसिकली खच्चर के अंदर क्या वेरिएशन आए या क्या चेंजेस आए, कि जिन दो ऑर्गेनिज्म के क्रॉस की वजह से ही बना, उन दोनों ऑर्गेनिज्म के चेंजेस बोल सकते हैं या उन दोनों के जो है स्पेशल फीचर जो हैं वो दोनों इसके अंदर आ गए। तो ये एक ऐसी स्पीशीज बन गई या एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेनिज्म बन गया कि जिसका इस्तेमाल हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो लोड लेकर के तेज़ी से भागने के मोड में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी वेरिएशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ में इसके खुद के भी अपने फीचर होते हैं कि ये ऐसा होने के बावजूद, दोनों इसके पास फीचर आने के बावजूद, लोड लेकर के तेज़ी से भागने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि ये जो है काम को अच्छे से नहीं करेगा, ये बिल्कुल परफेक्टली करेगा। इसके खुद के अपने फीचर हैं, खुद का अपना वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि ये थक जाएगा, राइट। तो ये इसके खुद के पॉजिटिव वेरिएशन है जो इसको फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। आपको पता है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो अगर आपस में एक जैसी हो तो वो साथ में रह लेते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो, आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि कोई भी जो पॉपुलेशन होती है ना वो एक जगह रहती है, पर उसके पीछे कारण है। वो एक जगह इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट उनको सूट कर गया है और अपने एटमॉस्फेयर से उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन कर लिया है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब वो एडजस्ट हो गए हैं, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन रह रहे हैं। और दूसरा एक पर्टिकुलर निके में, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में इसका इस्तेमाल हो चुका है। इसको बहुत सारे लोग निके भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको नीश भी बोलते हैं। निके और नीश, क्लियर। ये निके या नीश क्या है, बेसिकली प्लेस है। निके या नीश बेसिकली लोकल प्लेस है जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है। वहाँ का लोकल प्लेस या एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है, या एक कुनबा या फिर एक लोगों की एक जाति, एक स्पीशीज़,
एक लोकल प्लेस में या एक लोकल एक कॉमन जगह पर रह रही है, बहुत सारी स्पीशीज पॉपुलेशन रह रही है, उसको बोलते हैं निके। क्लियर, आपको समझ में आया ये नीश या निके का मतलब क्या होता है? जहां पर एक पॉपुलेशन, जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी पीपल्स नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक लोकल प्लेस पर, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में साथ में रह रहे हैं जहां से उस एटमॉस्फेयर का और उन लोगों का सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है, मतलब वो एडजस्ट हो चुके हैं और उनको वहां पे अच्छा लग रहा है, सर्वाइवल आराम से वो ले रहे हैं, तो वो नीश कहलाएगा। उन लोगों का क्या कहलाएगा? नीश। ये लोग जब आपस में तभी रहते हैं जब उनका एटमॉस्फेयर से सिंक्रोनाइजेशन हो जाए या फिर आपस में लोगों का एडजस्टमेंट हो जाए। वो लोग एक ही स्पीशीज के हों, उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता हो, एक दूसरे से बेनिफिट्स मिल सकते हों, एक ही जाति के हों, उनका रहन सहन खान पान पूरा शेड्यूल एक जैसा हो, तो वो पॉपुलेशन आपस में एक साथ रह लेती है। क्लियर, और उस एटमॉस्फेयर में रह लेती है क्योंकि एटमॉस्फेयर से भी उनका सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है, तो वो उनके लिए क्या कहलाएगा? नीश कहलाएगा। सर क्या समझा रहे हो? कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में एक टर्म है नीश या निके, एक लोकल जगह जहाँ पे पॉपुलेशन साथ में रहती है क्योंकि उनके आपस में भी सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है और वहाँ के एटमॉस्फेयर से भी हो जाता है। तो बताना क्या चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक नीश है, एक निके है, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएशन भी काम के होते हैं। मान लीजिए एक नीश है, एक जगह है, एक एरिया है जहाँ पे पानी है और उस पानी में मान लीजिए 2-3 हज़ार बैक्टीरिया रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने? 2-3 हज़ार बैक्टीरिया रहते हैं। मान लीजिए उन सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका एक स्पेशल फीचर है, उनका खुद का एक अपना स्पेशल कैरेक्टर है कि वो मॉडरेट टेम्परेचर पर रह सकते हैं, क्योंकि उस नीश का, उस निके का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। मॉडरेट का मतलब 25-30 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल ये नीश है, ये एक जगह है, नीश या निके बोल सकते हैं, ये एक एरिया है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2000 बैक्टीरिया रहते हैं। कितने बैक्टीरिया रहते हैं? 2000 बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो 2000 रहते हैं ये इस नीश में इसलिए रहते हैं क्योंकि इस नीश का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है और ये सारे के सारे इस टेम्परेचर में आसानी से रह सकते हैं, ये मॉडरेट टेम्परेचर पर रह सकते हैं, ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं 25-30 डिग्री सेल्सियस में, इसलिए इन्होंने ये जगह सेलेक्ट करी और ये यहाँ पर रह रहे हैं 25-30 में आराम से रह रहे हैं, ये इनका नीश हो गया। पर सडनली क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हो गया। फॉर एग्जांपल क्या हुआ? सडनली ग्लोबल वार्मिंग हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो सिर्फ शॉर्टकट में बोलता हूँ कि सडन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए और अर्थ पे जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है क्या? और पिघल करके वाटर लेवल अर्थ का क्या हो जाए? राइज हो जाए। तो इस ग्लोबल वार्मिंग में मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा टर्म है उसकी तरफ ध्यान खींचूंगा कि जैसे ही सडन अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोबारा बोल देता हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट। राइट, मैंने क्या बोला कि मान लीजिए इस धरती पर सडनली क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि सडन टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का। ये सडन अर्थ का टेम्परेचर क्यों जो भी बढ़ा है इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सडन नहीं बढ़ता, इसके पीछे कारण है वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल गए और पानी का लेवल जो है अर्थ का बढ़ गया। तो मेरा मेन जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये कि मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? ये पूरे धरती का टेम्परेचर बढ़ गया तो धरती के किसी हिस्से में ये 2000 बैक्टीरिया भी रहते हैं और उस नीश का टेम्परेचर जो कि 25-30 था वो बढ़ करके कितना हो गया? फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मान लीजिए कि 2000 बैक्टीरिया जिसमें से फॉर एग्जाम्पल 1980 बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया? 1980 बैक्टीरिया, वो तो मॉडरेट टेम्परेचर पर ही रह सकते थे, वो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है? 80। और मान लीजिए कि इनमें से 20 बैक्टीरिया ऐसे थे, कितने बैक्टीरिया ऐसे थे? 20 बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके अंदर वेरिएशन आ चुका था जब वो पैदा हुए थे। और वेरिएशन क्या आया था? कि उनके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो गई थी कि वो मॉडरेट टेम्परेचर पे तो रह सकते हैं पर वो अगर कभी इन केस टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो हाई टेम्परेचर भी सहन कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं या सर्वाइवल ले सकते हैं। ये उनका वेरिएशन था, ये उनके बॉडी के अंदर क्या थे? चेंजेस थे, ये उनके अपने स्पेशल फीचर थे और ये फीचर जब ये पैदा हुए थे इनके अंदर आ गए थे। मान लीजिए वो बैक्टीरिया कितने थे? 20 थे।
तो अब मान आप खुद देखेंगे कि सडन टेम्परेचर जब बढ़ गया तो 2000 में से 1980 बैक्टीरिया तो मर गए जिनके अंदर ये फीचर नहीं था, पर ये 20 बैक्टीरिया इस कंडीशन पे भी सर्वाइवल ले जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि ये मॉडरेट पे तो रह सकते थे और हाई हो गया तो भी ये रह लेंगे। तो ये इनका जो वेरिएशन है ना हाई टेम्परेचर पर रहना, ये इनके लिए क्या हो गया, बेनिफिशियरी हो गया, फायदेमंद हो गया, जिसकी वजह से इनको सर्वाइवल लेने में क्या हुई, मदद मिलेगी और ये आगे भी जिंदा रहेंगे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं आई। जैसा आपने देखा कि अब ये सर्वाइवल ले लेंगे, ये मरेंगे नहीं। तो ये वेरिएशन का इंपॉर्टेंस है, ये बेनिफिशियरी पॉइंट है कि वेरिएशन अगर अच्छे आ जाए, अगर अच्छे आ जाए तो इस धरती पर सर्वाइवल लिया जा सकता है, और बेनिफिशियरी रहता है कि इसको कोई मार नहीं सकता इन कंडीशंस में जिनका इनके पास प्लस पॉइंट है। आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझ में आ गई होगी, तो मैं चेक मार्क लगा देता हूं। अब यहां पे दूसरे टॉपिक में लेकर के चल रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं माफी चाहूंगा कि मेरा वीडियो जो है काफी बड़ा बन रहा होगा, पर आप प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। अगर आप ट्रू लवर हैं स्टडी करने के लिए या किसी चीज़ को सीखने के लिए या लर्निंग के लिए, अगर आप लॉयल हैं, अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं और ईमानदार हैं सीखने के प्रति, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जनरली मेरे सारे वीडियोस लंबे ही होंगे, अगर आप ट्रू लवर हैं सीखने के लिए तो आप तभी मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगे, और अगर आप नहीं हैं, नहीं सीखना चाहते, तो मुझे पता है कि आपको ये बोरिंग लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा वीडियो है। मैं क्योंकि जो भी मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ उसमें मेरे ब्रेन के अंदर जितना भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है वो सब डाल देता हूँ। मैं वीडियो इस तरीके से बनाता हूँ, जैसे अगर आज मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतनी जान डाल के पढ़ा रहा हूँ रिप्रोडक्शन को, कि मैं ऐसा मान के पढ़ाता हूँ कि ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं रिप्रोडक्शन पे लेक्चर शूट नहीं करूँगा, ये सोच के मैं वीडियो बनाता हूँ और सोचता हूँ कि जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग है या जो भी टॉपिक में शूट कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग है, वो सारी जान मैं इस वीडियो के अंदर झोंक दूँ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, ताकि सामने वाले पर्सन को मैक्सिमम नॉलेज इस टॉपिक का, इस कंटेंट का मिले, और कहीं भी उनके साथ कोई चीट या धोखा ना हो कि रिप्रोडक्शन के नाम पे ये बोल करके कि बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहा है और 100% नॉलेज की जगह 20% दे रहा है। 100 नहीं, मैं 1000% दूंगा, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। होपफुली आप मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसमें मेरा सारा कंटेंट जितना भी दिल से मेरा है मेरे ब्रेन में, मैं सब डाल देता हूँ। आपको इनफ से भी कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। अब मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए इस संसार के अंदर आपको दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। पहला ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान से देखिएगा। पहला जो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर को ए सेल्युलर भी बोलते हैं। दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से मिलेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट। आपको दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक और मिलेगा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, जिनका बॉडी एक सेल से मिलकर बना हो, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी एक से ज़्यादा यानी बहुत सारी सेल से मिलकर के बनाओ, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर एक डिटेल और देना चाहूँगा मैं आपको कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे या ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे वो सिंपल होते हैं। कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, मैं लिख देता हूँ। ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, कोई बच्चा डाउट में जाए उससे पहले ही मैं क्लियर कर दूं, मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि किसी बच्चे को मेरे लेक्चर में कोई डाउट आए ही ना, डाउट आने से पहले ही बच्चे का डाउट अपने आप सुसाइड कर ले, और मैं ये सारी चीज़ें करके चलता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना आए। पर बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेरे वीडियो को टिल एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। जो डाउट आएगा वो हो सकता है कि आने वाले कुछ सेकंड्स में वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं भी बच्चा रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मैंने पढ़ाई अपनी इस तरीके से करी है कि मेरे दिमाग में कोई डाउट ना रहे, और अगर रहता भी है तो मैं उन सब डाउट्स को रेक्टिफाई कर चुका हूँ और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ डाउट आते हैं, इसलिए मैं उन सारी चीज़ें अपने लेक्चर में कवर करता हूँ। बस टिल एंड तक बने रहिए मेरे साथ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही टाइप की सेल हो उनको बोलते हैं सिंपल। और आपको पता है कि यूनिसेल्युलर या ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, कि उसकी बॉडी एक सेल की बनी है, राइट। अब जब उसकी बॉडी एक सेल की बनी है तो वो सिंपल ऑर्गेनिज्म तो होगा ही सही, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा टाइप की सेल है ही नहीं, एक ही टाइप की सेल है, राइट। अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि
कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यानी कि जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर केस बनता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो हैं वो दो होते हैं। आपको आई होप दिख रहा होगा, मैं जितना अभी नीचे लिखूंगा तो हो सकता है कि स्क्रीन में आ रहा होगा, आई होप। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो होता है मल्टी सेलुलर के अंदर वो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरे वर्डिंग्स पर जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब समझिएगा, बड़ा गहरा मीनिंग है इसका, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। देखो मल्टी सेलुलर का मतलब ये कन्फर्म हो चुका है कि उसके बॉडी के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, यानी एक से ज़्यादा ही सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। बस फर्क इतना है, अगर वो सारी सेल एक ही टाइप की हैं, अगर वो सारी सेल्स एक ही टाइप की हैं, सर एक ही टाइप का मतलब ओवल शेप की हैं, सबके फंक्शन सेम हैं, एक ही जैसी दिखती हैं, काम भी एक जैसा करती हैं, जो भी हैं आइडेंटिकल है, समझ में आ रहा है। अगर वो सारी सेल्स एक ही टाइप की हैं तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल तो हैं, जैसे मान लो 1 करोड़ सेल है, उससे मिलकर के उसका पूरा बॉडी बना है, पर 1 करोड़ सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 50,000 सेल तो जो हैं ए टाइप का काम करती हैं, ए फॉर अल्फाबेट, 50,000 सेल जो हैं बी टाइप का काम करती हैं, ए टाइप मतलब कोई और काम, बी टाइप मतलब कोई और काम। मान लो 1 लाख सेल जो हैं वो सी टाइप का काम करती हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स जो उसके अंदर हैं वो अलग अलग काम करती हैं। मान लो उनका शेप भी अलग है, एक का ओवल है, एक का रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर होती नहीं है, एक का जो है स्पिंडल शेप है, एक का कौन सा शेप है, एक का कौन सा शेप है। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, राइट। हमारे ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो हैं करोड़ों सेलों से मिलकर के बने, करोड़ों सेल्स से मिलकर के हम लोग बने, और हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। देखो ना, ब्रेन की सेल्स अलग है, इनका शेप अलग है, फंक्शन अलग है, लीवर की सेल अलग है, उनका फंक्शन अलग है, हमारे किडनी की शेप अलग है सेल्स की, उनका फंक्शन अलग है, आप समझ रहे हो, हमारे स्किन की सेल का शेप अलग है और उनका फंक्शन अलग है। तो हम लोग क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक शब्द बोला था कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ये होगा कि देखो रिप्रोडक्शन जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक तो है सेक्सुअल, ध्यान से देखिएगा, एक टाइप जो है वो रिप्रोडक्शन का वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा टाइप है वो दूसरा क्या है, एसेक्सुअल। ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पढ़ाने से पहले ये बताना जरूरी था, आई होप आपको, आशा है, मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी, और विश्वास भी है कि ये समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी, और मल्टी में भी दो होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, रुको एक सेकेंड, तार अटक गई मेरे पैर में, हाँ तार निकल चुकी है। अब ध्यान से देखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, बाकी मैं साइड में हट जाता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ले लीजिए, और मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं साइड में हट जाता हूँ, उसके बाद मैं इनको कैरी ऑन करूँगा। 1, 2, 3 आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि ऑर्गेनिज्म दो होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर भी दो होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जब आपको ये सारी थीम समझ में आ गई तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। तो ये दो टाइप क्यों क्रिएट हो गए, ये दो टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे कारण ही यही है क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप के हैं, एक तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है और एक मल्टी सेलुलर है। अब सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। अब जब वो एक ही सेल के बने हुए हैं तो उन सारे ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, तो वो एक सेल क्या करती है, जितना भी उसके अंदर का कॉन्टेंट है वो पहले तो क्या करती है, उसको डुप्लीकेट बनाती है, यानी कि कॉपी बनाती है, और चुपचाप एक सेल से, चुपचाप का मतलब है नॉर्मली एक सेल से वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है, और जैसे ही वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगी तो आधा कॉन्टेंट इधर आधा इधर,
क्योंकि पहले ही कंटेंट क्या हो चुका है, कॉपी बन चुका है। याद करो जायगॉट बना था, तो जायगॉट एक से दो बनता है, एक सेल से दो सेल, तो अंदर की चीजें पहले कॉपी हो जाती हैं, फिर एक चीज इधर एक चीज इधर। एज इट इज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो है एक सेल रहती है, पहले अंदर के कंटेंट को कॉपी करती है और एक से दो में डिवाइड हो जाती है, एक कंटेंट इस तरफ एक कंटेंट इस तरफ। तो इसमें बेसिकली दो पेरेंट की जरूरत नहीं है, अकेली सेल ही काफ़ी है। क्यों काफ़ी? क्योंकि वो सेल एक ही है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो ही है जो भी है। जब उस एक सेल को रिप्रोडक्शन करना होगा, उस यूनिसेल्युलर सिंपल सेल को रिप्रोडक्शन करना होगा, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो एक ही तो सेल है, अपने कंटेंट को कॉपी करेगी और एक से दो हो जाएगी और कंटेंट दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल ही एक ही टाइप की है और एक ही सेल है, तो क्या होता है कि जब टाइप ऑफ सेल एक ही है, यानी कि सिंगल सेलुलर ए सेलुलर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल है एक ही तो टाइप की है और कंटेंट भी जो है उसी का है, तो उसको जब रिप्रोडक्शन करना है, एक से दो बनाना है, तो अपनी ही चीज़ को कॉपी बनाती है, फिर एक से दो में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स टू ईजी। तो इसलिए सिंपल टाइप की जो सेल्स होती हैं, सिंपल टाइप की सेल्स का मतलब यूनिसेलुलर जो एक ही सेल की बनी है, उनको सिंपल भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही टाइप की वो सेल है। तो बेसिकली उनके लिए जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल ही यूज होगा। एसेक्सुअल का मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल सेल वो खुद ही इन्वॉल्व हो, दूसरे किसी और सेल का या किसी और पार्टिसिपेंट की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर। और बेसिकली इसके अंदर जो है कोई स्पेशल कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप खुद वो हैंडल कर लेती है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं थीम समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म भी दो हैं, एक ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही सेल है और सिंपल है, और दूसरा है मल्टी सेलुलर, और उसके अंदर भी दो हैं मल्टी सेलुलर। एक तो ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही टाइप की सेल है और एक ऐसे होते हैं जिनके पास अलग अलग टाइप की सेल है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी दो हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल तो है उन लोगों के लिए यूज होता है, उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है जिनका बॉडी डिजाइन कैसा हो, सिंपल हो। बॉडी डिजाइन सिंपल होने का मतलब ये होता है जिनके पास एक ही टाइप की सेल हो। क्लियर है क्या? अब एक ही टाइप की सेल किन किन के पास रहती है? एक तो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास जिनकी एक ही सेल है, तो एक ही टाइप हो गया। दूसरा मल्टी सेलुलर में भी उनके पास जो सिंपल हो, मल्टी सेलुलर में भी जो सिंपल हो, यानी कि बहुत सारी सेल हैं पर वो सारी की सारी सेल क्या है, एक ही टाइप की है। तो इन दोनों में जो मोड यूज होगा रिप्रोडक्शन का वो होगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर ये क्या करेंगे, एक अपने ही आप से एक और प्रोजेनी, यानी कि यही ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जो जैसे मल्टी सेलुलर सिंपल है और ए सेलुलर सिंपल है, तो ये क्या करते हैं प्रोजेनी जो बनाते हैं वो अपने खुद की ही मदद से अपनी प्रोजेनी क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। मतलब यही सेल जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हो गया, तो पैरामीशियम हो गया, तो इनको किसी और की जरूरत नहीं है प्रोजेनी बनाने के लिए, बेबी बनाने के लिए, तो ये अपनी ओन हेल्प से बेबी डेवलप कर लेते हैं, प्रोजेनी बना लेते हैं, किसी और पार्टिसिपेंट की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि वो एक ही टाइप की सेल है, वो अपना कॉन्टेंट कॉपी कर लेगी और अपना कॉन्टेंट कॉपी कर लेगी करके एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए उनको वो किसी की पार्टिसिपेंट की जरूरत नहीं है, खुद ही वो डिवाइड हो जाती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए ऐसे टाइप की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल, जो कि एक सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर सकता है। अब मल्टी सेलुलर के अंदर भी जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है जैसे हाइड्रा, राइट, तो वो हाइड्रा क्या करता है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेलें पर सारी सेम टाइप की हैं, तो वो क्या करती हैं, सारी की सारी सेल अपने कंटेंट को क्या करती हैं, कॉपी करती हैं, और कॉपी करने के बाद एक सेल से फुक दो सेल बन जाती हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, पर उनको उन सेल्स को, उसके बॉडी की सेल्स को किसी और पार्टिसिपेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सेल अपना कंटेंट क्या करती है, कॉपी करती है और एक से दो में क्या हो जाती है, शूट हो जाती है। तो इसलिए जिसमें दूसरे पार्टिसिपेंट की जरूरत पड़ नहीं रही, वो खुद ही अपना जो है बेबी डेवलप कर लेती हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये इनके लिए इस्तेमाल होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिज्म के लिए होता है जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स हो। स्पेशली आपको पता चल ही गया होगा मैं ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, फिशेस इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इन सब के अंदर एक से ज़्यादा टाइप की सेल मिलती है।
जैसे हमारे अंदर ब्रेन की सेल अलग, लीवर की अलग, हार्ट की अलग, तो जिनके अंदर एक से ज्यादा टाइप की सेल मिलती है उनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं रन कर सकता, या हम लोग जो हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा टाइप की सेल मिलती है यानी कि हम लोग मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो हमारे अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम बेबी डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि ए सेक्शुअल में दूसरे पार्टिसिपेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग ये कैसे करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। हमारे लिए मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, दूसरे पार्टनर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग बेबी डेवलप कर सकते हैं, एम्ब्रियो प्रोजेनी को बना सकते हैं। हम ए सेक्शुअल इसलिए नहीं कर सकते, उसके पीछे बेसिक तर्क क्या है, बेसिक फैक्ट क्या है, वो बेसिक फैक्ट ये है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप की सेल हैं। मान लीजिए अगर मेरी हार्ट की सेल अगर वो अपने कंटेंट को क्या कर ले, कॉपी कर ले और एक से दो बना ले, तो जो दूसरी सेल बनेगी वो भी हार्ट की सेल ही बनेगी, राइट। उससे लीवर की सेल तो बन नहीं सकती, उससे ब्रेन की सेल तो बन नहीं सकती, उससे किडनी की सेल तो बन नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक पूरा ह्यूमन बीइंग जो कि मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसको एक सेल की हेल्प से हम नहीं बना सकते। अगर हमारे बॉडी में इतने टाइप की सेल है तो उनमें से अगर मैं कोई एक सेल पिक कर दूं और उसको डिवाइड करा दूं और उससे बोलूं कि पूरा ह्यूमन बीइंग बना लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक सेल में सिर्फ इतनी ही ताकत है, उस एक सेल में सिर्फ इतनी ही ताकत है कि वो अपने ही टाइप की सेल बना सकती है। तो अगर ये हार्ट की सेल है तो वो हार्ट की सेल ही बना सकती है, इससे ह्यूमन बॉडी की बाकी सेल नहीं बनेगी, राइट। इसलिए हमारे बॉडी में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हो सकता है, हमारे बॉडी में भी ए सेक्सुअल होता है, पर वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल होता है ताकि हमारी बॉडी में अगर कोई डैमेज आ गया तो उसका रिपेयरिंग करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्किन छिलके एक्सीडेंटल केस में, तो क्या होगा, वहाँ की सेल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक सेल डिवाइड होकर के क्या बन जाती है, दो से चार हो जाती है और वो जो घाव है वो भर जाता है, और वो घाव भर जाता है तो वो क्या हुआ, उन सेल के डिवीजन की वजह से हुआ, उन सेल के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हुआ। तो आखिरकार उन सेल स्किन की जो सेल है उन्होंने रिप्रोडक्शन करके बनाया भी क्या, स्किन की सेल ही बनाई ना, उससे पूरा ह्यूमन बींग तो बन नहीं सकता, या उस सेल के रिप्रोडक्शन की वजह से ह्यूमन बींग के अंदर और भी जो टाइप की सेल है वो तो बन नहीं सकती। तो कुल मिलाकर के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से एक जो भी पर्टिकुलर सेल ए सेक्सुअल करेगी तो वो वही टाइप की सेल बनाएगी, बाकी मल्टी जो दूसरे टाइप की उनको नहीं बना सकती। अगर वो नहीं बना सकती तो ह्यूमन बॉडी बनेगा नहीं, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनेगा नहीं। तो यानी कि पूरा ह्यूमन डेवलप करने के लिए या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काफ़ी नहीं है। इसलिए भगवान ने एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बनाया जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, एक पार्टिसिपेंट के साथ साथ दूसरा पार्टिसिपेंट, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि मेल और दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि फीमेल, इन दोनों की जरूरत पड़ती है और इनके क्रॉसिंग से, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से, इन दोनों के पार्टिसिपेशन की हेल्प से क्या होता है, पूरा का पूरा एक प्रोजेनी बनता है, पूरा का पूरा एक ह्यूमन बीइंग बनता है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसके अंदर जितने टाइप की सेल्स की जरूरत है वो सारे के सारे टाइप की सेल्स डेवलप हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं और एक नया प्रोजेनी सारी टाइप की सेल्स के साथ जो है प्रोड्यूस हो जाता है। ये क्या है एक्चुअली, इस फिनोमेना के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ। भगवान ने मेल के अंदर एक सेल दी है उसे बोलते हैं स्पर्म सेल, और फीमेल के अंदर एक सेल दी है उसको बोलते हैं एग सेल। जब ये दोनों सेल फ्यूज हो जाती हैं तो एक कॉमन सेल बनती है, उसको बोलते हैं जायगॉट। क्या बोलते हैं, जायगॉट, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। अब इस जायगॉट के अंदर ये फीचर होता है, इस जायगॉट के अंदर ये फीचर होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस जायगॉट के अंदर ये फीचर होता है कि ये ह्यूमन बॉडी की जितने भी टाइप की सेल्स हैं उसको यही एक सेल डिवाइड कर करके बना सकती है, और ये जायगॉट बिना मेल और फीमेल के लॉकिंग के नहीं डेवलप हो सकता, बिना स्पर्म और एग सेल के मिले बिना ये जायगॉट डेवलप नहीं हो सकता। मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पार्टिसिपेंट की जरूरत पड़ रही है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सिर्फ उन्हीं में होता है जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, यानी जिनके बॉडी में एक से ज्यादा टाइप की सेल हो, क्योंकि जायगॉट में ही वो पोटेंशियल है जो डिवाइड हो के पूरे ह्यूमन बींग की
जितनी भी टाइप की सेल्स हैं उन सारी की सारी टाइप की सेल्स को वो जायगोट खुद ही डिवाइड होकर के अपने अंदर के कंटेंट को कॉपी करेगा, डिवाइड करेगा, कॉपी करेगा, डिवाइड करेगा, कंटेंट को कॉपी करेगा, डिवाइड करेगा, और ऐसा कर करके ह्यूमन बॉडी की जितनी भी टाइप की सेल है वो सारी की सारी सेल्स को वो क्या कर लेता है, बना लेता है, और इससे पूरा का पूरा प्रोजेनी या बेबी जो है डेवलप हो जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसको हम देखते हैं। मैंने सारा कंटेंट आपके बोर्ड पे शॉर्टकट में लिख दिया है और आप बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हट जाऊंगा, पहले मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जो बहुत सिंपलेस्ट टाइप का है, इसमें कोई माथा फोड़ी नहीं है, और दूसरा किस में होता है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें एक ही टाइप की सेल हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके जो है मेन फीचर है वो क्या है, तो मैंने लाइन से लिख रखे हैं कि अच्छा ये किन किन में होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, दो तीन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन और बडिंग होती है हाइड्रा में। अच्छा सर ये क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए अमीबा एक सेल का बना होता है, राइट, वो एक सेल का बना होता है तो डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के क्या बना लेता है, वो दो सेल बना लेता है, राइट, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, दो टुकड़ों में टूट गया। बडिंग क्या होती है हाइड्रा में, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, पर फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये हाइड्रा है, राइट, ये हाइड्रा है, क्लियर। अब इसमें से क्या निकलती है, एक छोटी सी ग्रोथ निकलती है साइड में से, ये जो पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके साइड में से क्या निकलती है, एक ग्रोथ निकलती है। उस ग्रोथ को मतलब यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ का जो सेल है, वो डिवाइड करके थोड़ी सी क्या निकाल लेता है, आउट ग्रोथ निकाल लेता है। अभी इस आउट ग्रोथ को बोलते हैं बड। अब ये बड क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और बड़ी, और बाद में इससे डिटैच हो जाती है, और ये अपने आप में ही एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो इसको बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा, राइट। तो ये एग्जाम्पल है, पर मेन कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि एसेक्सुअल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूँ, एक तो ये रैपिड मोड है, बहुत तेजी से चलता है, एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, तो और दूसरा क्या है, इसके अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक का मतलब होता है एक से दो बनेगी, दो से चार, चार से आठ, मतलब जितनी है उसका डबल, जैसे अगर दो सेल है तो दो से चार बनेगी, चार है तो उससे आठ बनेगी, एक है तो उससे दो बनेगी, एक से डबल बनेगी, राइट, तो माइटोटिक सेल डिवीजन उसको बोलते हैं। तीसरा सबसे प्यारी चीज क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। अब क्या होता है कि जैसे ये एक सेल है अमीबा की, अब इस एक सेल से दो सेल बनेंगी, तो ये दोनों जो सेल है इनको बोलेंगे डॉटर सेल, क्या बोलेंगे, डॉटर, डी ए यू जी एच टी ई आर, डॉटर सेल। ये जो दोनों डॉटर सेल बनेंगी ना, इनमें कोई फर्क नहीं होगा अपने मेन सेल के कंपैरिजन में, और आपस में भी इनमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही सेल है, उस एक ही सेल ने अपने अंदर ही कॉपी करा कॉन्टेंट को, और अपने अंदर ही कंटेंट को कॉपी करके क्या बनाया, दूसरा कंटेंट, यानी कि दूसरी सेल बनाई। तो अब इनके अंदर क्या है, कोई ज़्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें दूसरी सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट, इसमें एक ही सेल है। जैसे मान लो मैं एक अपने आप में एक सेल हूँ, मैं अपने अंदर के कंटेंट को कॉपी कर लिया और एक से मैं दो में डिवाइड हो गया, तो ये जो दोनों सेल बनी है ये आपस में आइडेंटिकल होंगी, या अगर मेरे से भी कंपेयर करोगे जिससे वो मिलकर के बनी है, तो मेरे से भी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। मतलब कोई नया बदलाव, नया चेंज या वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अपने माँ बाप तो यूज ही नहीं होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मतलब सिंगल पेरेंट यूज होगा, डबल पेरेंट तो यूज नहीं हो रहा। तो जो सिंगल पेरेंट है उनसे कैरेक्टर में वो डॉटर सेल मैच खाएंगे और आपस में भी मैच खाएंगी, राइट, क्योंकि एक ही सेल यूज हुई, अपना कॉन्टेंट कॉपी किया और बन गई। कोई नया कोई एक सेल ने दूसरी सेल के साथ मीट ही नहीं किया, और अगर मीट किया होता फिर वो कॉपी करते तो चेंजेस और वेरिएशन आते हैं। यहाँ एक ही सेल ने अपने कंटेंट को कॉपी किया और डॉटर सेल बनाई, तो यहाँ पे कोई जो दोनों सेलें बनी वो आइडेंटिकल बनेगी, उनमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो बिल्कुल वो क्या होती हैं, आपस में भी आइडेंटिकल होती हैं, और अगर कंपेयर करना चाहो जिससे वो बनी है तो वो उससे भी क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। तो प्रोजेनी यानी जो बना है वो आइडेंटिकल होता है जेनेटिकली, मतलब उसका जो मेन कंटेंट है, इसका जो मेन कंटेंट है और इन दोनों का जो मेन कंटेंट है वो एकदम क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, राइट। अब सिंपल सी प्यारी सी चीज़ क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। अब एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, कोई दो सेल की जरूरत नहीं, अकेली सेल ही कर लेती है। लास्ट है नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट का मतलब, गैमेट आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब बेसिक समझा रहा था, इधर से स्पर्म आता है, इधर से एग सेल आता है, तो स्पर्म को क्या बोलते हैं, गैमेट, मेल गैमेट, एग को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, आपको पता है ना, मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दोनों के न्यूक्लियस जब मिलते हैं तो उसको फ्यूजन ऑफ गैमेट बोलते हैं, राइट। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं,
क्योंकि ना तो कोई दो सेल मिल रही है ना दोनों के न्यूक्लियस कोई मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो फर्टिलाइजेशन होता है ना गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। तो बस इतना सा लिखा है कि यहाँ पे गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। आप लोगों को पता है एक तो मल्टी सेलुलर में होगा, और मल्टी सेलुलर में भी किन में होगा, कॉम्प्लेक्स में। किसमें होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जिन और कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको मैं बता ही चुका हूँ, जिनके पास मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हो, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो तो दो पार्टिसिपेंट चाहिए, एक मेल और फीमेल, जो कि दोनों अलग अलग कैरेक्टर रखती हों, दोनों हों और कैरेक्टर रखते हों, और वो आपस में क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंडक्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो इसमें नहीं है वो सब इसके अंदर है। रैपिड नहीं है, धीरे धीरे होता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप ह्यूमन बींग का देख सकते हो, सेक्सुअल इंटरलॉक होता है तो बेबी बनने में 9 months लगते हैं, 9 महीने लग जाते हैं, तो ये रैपिड मोड नहीं है, बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि मल्टी सेलुलर है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बॉडी में एक से ज़्यादा टाइप की सेल है, तो इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बेसिकली ये रैपिड मोड नहीं है, बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के थ्रू होता है, क्योंकि बहुत सारी सेल बनानी है। दूसरा क्या होता है कि इनके अंदर जो सेल का डिवीजन होता है वो होता है इनके जैसा ही है, माइटोटिक ही होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। बट एक एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है, और वहाँ पर मियोसिस होता है। क्या होता है मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से चार सेल बनती है। इनमें भी हर जगह 1 से 2, 2 से 4 ही बनेगा, पर एक जगह पे क्या होता है कि मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से चार सेल बनती है, और वो एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब मेल के अंदर खुद स्पर्म सेल बन रहा हो, जब फीमेल के अंदर खुद एग सेल बन रहा हो, इनके खुद के गैमेट बनते हैं ना, तब यहाँ पर क्या होता है, एक से क्या होता है, चार बनते हैं। एक स्पर्म सेल चार बनाती है, एक एग चार बनाती है, राइट। तो या फिर आप मेरे कहने का मतलब है ये नहीं बनाते, मतलब जिस भी प्रोसेस के थ्रू स्पर्म सेल बनेगा तो वो 1 से 4 बनेगा, और एग सेल बनेगा तो वो 1 से क्या बनेगा, 4 बनेगा, वहाँ पे मियोसिस होता है। अगला कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे वेरिएशन आते हैं, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, क्योंकि दो सेल क्रॉस कर रही हैं, दोनों के अलग अलग कैरेक्टर हैं, फिर वो कॉपी करेंगे तो नए चेंजेस और फीचर्स आते हैं, उनको वेरिएशन बोलते हैं, वो तो आना है ही। अगला है फ्यूजन हैपन, आपको पता है दो सेल मिल रही हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे, फ्यूजन होगा। तो ये बेसिक कैरेक्टर हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आई होप ये पूरी डिटेल आपको समझ में आई होगी, मैं साइड में हट जाता हूँ, एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, और आप लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। मैं साइड में हट जाता हूँ, मेरा टॉपिक फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक मैं वापस एक नई वीडियो के साथ लेकर के आऊँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप जितना ये सब करेंगे मेरा मोटिवेशन उतना बढ़ेगा, और उतने एनर्जेटिक होकर के मेरे ब्रेन की सारी नॉलेज आपके सामने निकाल करके रख दूंगा, और आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नो लर्निंग नो अर्निंग, लर्निंग और अर्निंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जितना सीखेंगे उतना आगे होकर के आप कमाएंगे, जितना कमाएंगे उतना सीखेंगे, ये बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो कमाई है वो पैसा लगा करके सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अगर आप जितना सीखते जाएंगे उतना आप कमाते जाएंगे। लर्निंग जितनी ज़्यादा होगी अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अर्निंग की जो डेफिनेशन होती है उसमें आगे ई हटा देंगे तो पीछे लर्निंग ही लिखा हुआ है। सर कैसे, समझ में नहीं आया, लर्निंग की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, राइट। तो लर्निंग का एल हटा दीजिए तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, अर्निंग लिखा हुआ है। तो लर्निंग के बिना अर्निंग पॉसिबल नहीं है। मैंने अर्निंग के लिए बोल दिया था कि ई हटा दीजिए तो लर्निंग हो जाएगा, एल लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। इतना सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, एक ही चीज बोल रहा हूं, जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि अर्निंग की स्पेलिंग के आगे क्या लिखा हुआ है, एल लगा हुआ है। एल मतलब लर्न करो, सीखो। तो अर्निंग तभी होगी जब आगे एल लगाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। कीप सपोर्टिंग अस, मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच। 1, 2, 3